हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खीर की रेसिपी। ये हम बिना चीनी के बना के तैयार करेंगे और बहुत ही कम समय में ये बहुत ही थिक खीर बनके हमारी तैयार होगी। तो चलिए इस खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चावल को आधा घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। ये नॉर्मल रेगुलर चावल है। अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें मैं दूध ऐड कर देती हूँ। जैसे ही दूध में एक बॉईल आ जाएगा, जो हमारे भीगे हुए चावल थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। इसको लगभग 5 मिनट के लिए हम पकने रख देते हैं, जब तक कि चावल थोड़े से पक ना जाएं। लगभग 5 मिनट बाद चावल पहले से पक चुके हैं। अब थोड़ा चावल और खीर को लेकर हम एक मिक्सिंग जार में रख देते हैं। ऐसा करने से जो खीर है वो बहुत ही गाढ़ी होगी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। इसको हम ठंडा कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही पीसें। लगभग 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने निकाल के रखा था मिक्सिंग जार में, ये ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ और इस खीर में ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से खीर बहुत ही थिक और गाढ़ी बन के तैयार होएगी और बहुत ही कम टाइम लगेगा खीर बनने में। अब इसको हम 5 से 7 मिनट और पकने देते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट बाद एकदम गाढ़ी खीर बन के तैयार है। ये देखिए, टोटल मुझे खीर बनाने में 15 से 20 मिनट लगे हैं। इतनी देर में ये गाढ़ी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें गुड़ का पाउडर मिला रही हूँ और इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब चाहे तो इस स्टेज पे शुगर भी मिला सकते हैं, बट मैं आज यहाँ गुड़ की खीर बना रही हूँ। अब थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करा है, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो खीर सर्व के लिए तैयार है, बट मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी रोस्ट करके। मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद हम ये रोस्ट करने के बाद अब खीर में ऐड कर देंगे। अब चाहे तो बिना रोस्ट करे भी खीर में ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, अब मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लूँगी और थोड़ा मैं गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी खीर। आप भी इस खीर की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।